वेल थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा मशहूर हूँ जो हमारी स्टार्टअप की और आइडिया गेस्ट की टीम है कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम ट्रेंड करें यूथ को फॉर बिजनेस क्रिएशन। मैं यू नो फॉर ए पीरियड ऑफ लेट्स से लास्ट 20 इयर्स मैं सम हाउ एसोसिएटेड रहा हूँ एज डायरेक्टर और या एज वाइस चांसलर, तो ये मैं बड़ा क्लैरिटी से एक समझता भी हूँ और अपनी यूथ को एक मैसेज भी देता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप को मैंने हमेशा इस तरह डिफाइन किया कि बिलीविंग इन यूर सेल्फ, कि अगर स्टीव जॉब ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर कोई अलीबाबा कोई चीज एस्टेब्लिश कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड देर आर मैनी यू नो एग्जाम्पल्स जिसको मैंने अपने आप पे भी अप्लाई किया, अपने बच्चों पे भी अप्लाई किया, अपने स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई किया। सो बेसिकली अल्लाह ताला से यही हमेशा दुआ की कि अल्लाह ताला हमें हेल्प लेने की बजाय हेल्प देने वाला बनाए। हम ओवरऑल पाकिस्तान में देखते हैं जितना हमारी पॉपुलेशन है या वर्ल्ड वाइड भी देखें तो जो जॉब क्रिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम बजाय खुद से जॉब ढूंढें हम ऐसे क्यों ना करें कि हम जॉब्स क्रिएट करें, अपने लिए भी रिस्क तलाश करें उसी में जॉब में से, उसी बिजनेस में से, और वो जो लोगों के लिए भी हम रिस्क पैदा करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। तो मेरी यू नो जो हमारे नौजवान जिन्होंने ये जितना 2700 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ट्रेनिंग की दो कोहर्ट वन और कोहर्ट टू में, हमारा एक सिग्निफिकेंट नंबर स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी का 90 आउट ऑफ यू नो जो, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी भी छोटी है तादाद भी हमारे पास थोड़ी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और हमारे जो इसके मेंटर्स हैं मैडम बिनिश खासतौर पर, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने मोटिवेट किया स्टूडेंट्स को एंड दे आर देयर। एंड नॉट ओनली दिस, दिस इज नॉट द ओनली प्रोग्राम, हम इनफैक्ट बहुत सारे पैरेलल प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिस जो अल्टीमेटली कन्वर्ज होते हैं इनटू डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस। उसमें हमारे पास वॉलंटियर का प्रोग्राम भी है, हमारे पास यू नो देयर आर मेनी मेनी प्रोग्राम्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इनटू मेनी बिजनेसेस। तो उसमें बिजनेस से मुराद ये भी है हमारी कि हम जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो खुद से फार्मिंग फॉर एग्जाम्पल शुरू कर लेते हैं, लोगों की कोऑपरेटिव बना के शुरू कर रहे हैं, फिर अपनी जो कंपनियां जो मुख्तलिफ पेस्टिसाइड की या वीडिसाइड की या फर्टिलाइजर्स की या सप्लाई चेन की, फॉर एग्जाम्पल आजकल एक मैं खासतौर पर जिक्र करना चाहूंगा, हमने एक ब्रांड किया यूनिफ्रेश, और उसमें मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जी इट्स नॉट लिमिटेड टू द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। बिजनेस करने के लिए हमारा इदारा खास तौर पे और सारे इदारों को ओपन होना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके पास इवन कोई डिग्री है या नहीं है। तो हमने एक यूनिफ्रेश के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया, आजकल इस्लामाबाद में वो चल रहा है और ऑनलाइन भी वो चल रहा है। उसमें मैंगोज हम बेस्ट क्वालिटी मैंगोज सप्लाई कर रहे हैं और इसमें हमने लोगों को रजिस्टर किया है जिनको हम ट्रेन करना चाहते हैं फॉर डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केटिंग। तो इसी तरह के देर आर मेनी अदर इनिशिएटिव जो हमने लिए हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं और बाकी लोगों को भी, ताकि जॉब्स क्रिएट हो और पाकिस्तान में ये जो हमारा यूथ बल्ज है खासतौर पे, हम लकी हैं आई शुड से कि हमारे पास अल्लाह ताला ने नौजवान दिए हैं और उनमें हिम्मत भी है, कोशिश भी है, उनको थोड़ी सी मेंटरिंग की जरूरत है। तो मैं अगेन अप्रिशिएट करूंगा स्टार्टअप पाकिस्तान ग्रुप का और ये जो आइडिया जिस गेस्ट उन्होंने कराया कि ये एक कोशिश है, कावश है, और जो मुझे इसमें सक्सेस होती नजर आ रही है कि वो बिजनेस क्रिएट करने की या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। तो मैं दोबारा से अपने नौजवानों को यही कहूंगा कि जरा हिम्मत करो, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अपने ऊपर बिलीव करने का नाम है, उस खुद पे बिलीव करो एंड डू इट इंशाल्लाह अजीज। आप यू नो जो दुनिया आपके लिए है इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला नए रास्ते भी देगा, बिजनेसेस भी आएंगे और उसको आप सस्टेन भी करेंगे। और हमेशा जब आप कोई एफर्ट कर रहे होते हैं अप्स एंड डाउन होते हैं तो उसी से बंदा वही कामयाब होता है जो उन डाउन को अप्स में क्रिएट कर लेता है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।